गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे हर्टमानिया के बारे में। अभी तक हर्टमानिया में हमने ब्रैंकियल कोश के बारे में, मतलब फैरिंक्स भाग जो था हमारा, ग्रसनी वाला भाग, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड था, प्री ब्रैंकियल और ब्रैंकियल कोश। ब्रैंकियल कोश में हमने डायग्राम में देखा था स्टिग्मेटा जैसे स्ट्रक्चर्स उपस्थित। उन्हीं स्टिग्मेटा की अगर हम बात करते हैं तो ये स्टिग्मेटा नंबर में 2 लाख के आसपास हो सकते हैं। और हमने संरचना बनाई थी कुछ इस प्रकार से, वहां पर ब्रैंकियल पूरे कोष में, ब्रैंकियल सैक में ये फैले हुए थे। तो इस तरह से स्टिग्मेटा का नंबर ज्यादा हो सकता है। वहीं अगर हम स्टिग्मेटा की बात करते हैं तो स्टिग्मेटा किस तरह से उपस्थित रहते हैं ये भी हम देखें। सपोज एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर यहां पर प्रेजेंट है, राइट? यहां पर स्टिग्मेटा उपस्थित हैं। इस तरह से ये जो है, ये स्टिग्मेटा है हमारे, ये सीलिएटेड स्टिग्मेटा है जहां पर सीलिया भी उपस्थित है, पक्षमाप जैसी संरचनाएं भी यहां पर उपस्थित हैं। अब ये लंबी है तो इन्हें हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेसल्स। वही अगर ये टेढ़ी है तो इन्हें हम ट्रांसवर्स वेसल्स कहें। तो इस तरह से स्टिग्मेटा के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक जैसा स्ट्रक्चर है, उसमें डिफरेंट सीलिएटेड स्टिग्माटस प्रेजेंट, राइट? अगर हम इसी को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं तो हमें इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा। ये डिफरेंट स्टिग्मेटा यहाँ पर उपस्थित है, गिल स्लिट्स के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, और ये वाली जो ब्रैंकियल सैक है, ब्रैंकियल कोष जो बना है, उसी के अंदर की बात कर रहे हैं हम, राइट? इसी ब्रैंकियल कोष में ये उपस्थित होते हैं और ये ब्रैंकियल कोष एकदम परफोरेटेड होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे छिद्र उपस्थित रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे स्टिग्मेटा प्रेजेंट है यहाँ पर, ऊपर की तरफ भी प्रेजेंट रहेगा ये। इनके आसपास ब्लड साइनसेस भी प्रेजेंट होंगे, जैसे ये स्टिग्मेटा है। इनकी एपिथीलियम जो है वो है सिलिएटेड एपिथीलियम, ठीक है? और ये हमारी आ गई ट्रांसवर्स वेसल, ये लॉन्गिट्यूडनल वेसल, और इनके बीच में से जो वेसल जाएगी उन्हें हम बोलेंगे इंटरस्टिग्मेटा वेसल। स्टिग्मेटास के बीच में से जाकर निकल गए। तो इस तरह से हम पढ़ सकते हैं स्टिग्मेटास के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, परफोरेटेड एरियाज होते हैं। फिर
इसी के साथ हमने पढ़ा था यहाँ पर कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होता है इस तरह का वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे फोल्ड्स रहते हैं। ये हमारा होता है कट एज ऑफ एंडोस्टाइल, राइट। ये हमारा होता है बीच में डॉर्सल लैमिना, पृष्ठ लैमिना। ये यहां होता है डॉर्सल ट्यूबरकल, ठीक है। ये होते हैं ब्रैंकियल स्फिंक्टर्स, ये होता है पेरिब्रैंकियल रीजन। ब्रैंकियल रीजन से जस्ट पहले ये होता है ब्रैंकियल अपर्चर, जहां से ब्रैंकियल खुलता है, और ये है हमारे ब्रैंकियल फोल्ड्स। और इन्हीं के बीच में यहां पर इस रीजन पर ईसोफेजियल ओपनिंग, ईसोफेगस जो होता है ग्रास नाल खुलता है। तो ये हम स्ट्रक्चर बनाते हैं नॉर्मली कि किस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये सारे रीजन डॉर्सल ट्यूबरकल, डॉर्सल लैमिना, एंडोस्टाइल, ईसोफेजियस ओपनिंग, ब्रैंकियल फोल्ड्स, ये सारे स्ट्रक्चर्स हम डिटेल में पढ़ेंगे। पर इस तरह से अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है अगर हम लंबवत काटते हैं, इसे काट के देखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं, राइट। अब अगर हम बात करें तो इस रीजन में हमने पढ़ा था कि टेंटिकल्स उपस्थित रहते हैं, स्पर्शक भी उपस्थित रहते हैं इस रीजन से पहले वाले रीजन में। तो जो स्पर्शक होते हैं वो कुछ इस प्रकार के होते हैं, राइट। इस तरह से स्पर्शक उपस्थित रहते हैं जिसमें ये बेस रीजन होता है, राइट। ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कहलाते हैं, सेकेंडरी। इस तरह से वहां पर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं टेंटिकल्स के या स्पर्शक। अब हम बात करते हैं कि हमने स्टिग्मेटा तो पढ़ लिया, राइट। अब ब्रैंकियल कोश में, ब्रैंकियल सेक में स्टिग्मेटा के अतिरिक्त भी
और भी चीजें उपस्थित रहती हैं या और भी स्ट्रक्चर जो होते हैं वो वहां पे प्रेजेंट रहते हैं, जिनमें नंबर वन हम देते हैं नाम ट्रैबेक्यूले, ट्रैबेक्यूले। ठीक है, ट्रैबेक्यूले क्या होते हैं? एक प्रकार के स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स, रॉड जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, रॉड जैसी संरचनाएं होती हैं, जो क्या कार्य करती हैं? इनका कार्य मोस्टली ये होता है कि ये यहाँ पे जो हमारे मेंटल होती है, मेंटल हमने पढ़ा था ब्रावा, वहां से इसको अटैच करने में हेल्प करती है, तो वहां से जुड़ा रहता है मेंटल से इस ट्रैबेक्यूले नामक स्ट्रक्चर के थ्रू। ठीक है, इसी के अलावा सेकेंड स्ट्रक्चर हमारा होता है डॉर्सल लैमिना। डॉर्सल लैमिना भी हमने अभी बात की थी, इस तरह का बीच में एक स्ट्रक्चर बनाया था हमने, राइट, अभी के अभी जस्ट डायग्राम। तो यहाँ हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ये होता कहाँ है? पृष्ठ सतह की तरफ होता है और पूरा ब्रैंकियल साइड से इसोफेजियल ओपनिंग, इसोफेगस जहां पे ओपन हो रहा है वहां तक ये फैला हुआ होता है, एक तरह से स्ट्रेट स्ट्रक्चर्स यहाँ पे प्रोवाइड करा है। और इसी में लैंग्वेट नामक संरचनाएं उपस्थित रहती है, कुछ लैंग्वेट्स उपस्थित रहते हैं, टंग लाइक संरचनाएं वहां पर उपस्थित रहती है, जो कि इस प्रकार से प्रेजेंट है।
ये एंडोस्टाइल की संरचना है कि किस प्रकार से हमारी एंडोस्टाइल जो है वर्णमानिया की वो व्यवस्थित रहती है। ठीक है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो है ये एपिथीलियम कोशिकाएं बना रहे हैं हम, और इसमें हमने ऑब्जर्व किया है, इसमें हमने देखा है इनके आसपास रक्त जो होते हैं, रक्त ब्लड वेसल्स कोशिकाएं वाहिनिया ये भी उपस्थित रहती है। ठीक है, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम बात करें कि ये है हमारे ब्लड वेसल्स, ब्लड साइनसेस, बीच में ये है हमारे कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक। ठीक है, ये है हमारी एपिथीलियल मेम्ब्रेन जिसे हम जहां पर सीलिया उपस्थित होंगे उसे हम बोलेंगे सीलिएटेड एपिथीलियम, और जहां पर सीलिया उपस्थित नहीं होंगे उसे हम बोलेंगे ग्लैंडुलर एपिथीलियम। ऑलराइट, इस तरह का स्ट्रक्चर यहां प्रेजेंट होता है। ये है हमारे मीडियन सीलिया, मतलब यहाँ पर सीलिया की अगर हम बात करते हैं, पक्षमाप की अगर बात करते हैं तो ये पक्षमाप यहाँ पर पांच उपस्थित है, पांच तरीके से व्यवस्थित है। मीडियन सीलिया जो होंगे वो बहुत लंबे होते हैं, सबसे बड़े होते हैं और बिल्कुल मीडियम रीजन में उपस्थित रहते हैं। वही हम इनकी बात करें, ये है हमारे लेटरल फोल्ड्स, और वहीं पे ही पार्श्व सीलिया, लेटरल सीलिया भी व्यवस्थित रहते हैं, अलग अलग प्रकार से, अलग अलग साइज में, प्लस अलग अलग जगह पर व्यवस्थित हैं। तो इस तरह से फाइव सीलिया पक्षमा उपस्थित हैं। इसी के साथ यहाँ पर ब्लड टिश्यूज भी प्रेजेंट है, रक्त वाहिनिया, रक्त कोशिकाएं, रक्त साइनसेस भी प्रेजेंट है, और इन्हीं के बीच में कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक व्यवस्थित है। तो ये है हमारे एंडोस्टाइल का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हमारा प्रेजेंट होता है वो होता है इसोफेजियल ओपनिंग। ब्रैंकियल सेट में ये चार प्रकार के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। इसोफेजियल ओपनिंग क्या है? एक प्रकार का छिद्र समान संरचना है जहां पे इसोफेगस आगे जाकर ओपन होगा, खुलेगा जहां से इसोफेगस, मतलब पैरेंक्स और इसोफेगस के बीच की संरचना है जो किसके द्वारा रहती है? लिप्स, जो ओष्ठ होते हैं, दो लिप्स के द्वारा ढकी रहती है। ठीक है, इस तरह से ढकी रहती है, और जैसे ही फूड आएगा तो वो लिप्स ओष्ठ जो होंगे जिनके द्वारा ये ढकी हुई है, कवर्ड है, वो ओपन हो जाएंगे और फूड नीचे की तरफ जाएगा। सीलिया का फंक्शन क्या होता है कि वाटर, जो जल उपस्थित है, उस जल को आगे की तरफ ले जाना, ताकि बीटिंग होगी तो जल आगे की तरफ जा पाए। तो ये है हमारी इसोफेजियल ओपनिंग जहां से हमारा इसोफेगस आगे जाकर खुलेगा। राइट, ये था हमारा फैरिंग्स का भाग कि फैरिंग्स किस तरह से यहां पर व्यवस्थित रहती। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट की जो है हमारा ईसोफेगस या ग्रास नाम। अभी तक हमने तीन पार्ट पढ़े, तीन भाग पढ़ लिए वर्णमानिया के। फर्स्ट भाग था मुख, माउथ। सेकंड भाग था हमारा मुख कैविटी जिसे हम बोलते हैं, या बकल कैविटी के नाम से जिसे हम जानते हैं, मुख गुहा। थर्ड भाग था हमारा फैरिंग्स, और अब है हमारा इसोफेगस। इसोफेगस, इसोफेगस ओपनिंग के द्वारा यहाँ पर खुलता है। ये क्या है? एक प्रकार की
ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, नली का आकार स्ट्रक्चर है, जो घूमी भी होती है, थोड़ी सी घुमावदार होती है, जिसमें वलन उपस्थित रहते हैं। अगर हम इसके नॉर्मली स्ट्रक्चर की बात करते हैं, हमने जब सेक्शन काटा तो हमें इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिला। ये है हमारे ईसोफेगस का स्ट्रक्चर, जिसमें बीच में ओपनिंग उपस्थित है और उस ओपनिंग के द्वारा ही नीचे की तरफ जो होता है हमारा फूड वो नीचे ट्रैवल कर पाता है। और इसके चारों तरफ मसल्स मांसपेशियां उपस्थित होंगी और बीच में एक खोखली जैसी संरचना होगी, जिसके कारण फूड जो है, भोजन जो है, वो नीचे की तरफ जा सके। ठीक है, लिप्स के द्वारा घिरा रहता है, ये हमारा संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू रहता है। इस तरह से हमारी ईसोफेजस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है। अब अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो हमारा ईसोफेजस खुलता है स्टमक के अंदर, अमाशय के अंदर। अमाशय की दीवार की अगर हम बात करें अंदर से, तो वो कैसी होती है? बिल्कुल चिकनी दीवार अमाशय की उपस्थित रहती है। और उस चिकनी दीवार के कारण अमाशय में जो भोजन है वो आगे की तरफ खिसक पाता है, आगे की तरफ इजीली जा पाता है। राइट, अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो इस स्टमक में कुछ ग्रंथियां भी उपस्थित रहती हैं, जिनको हम बोलते हैं पाइलोरिक ग्रंथियां या पाइलोरिक ग्लैंड्स। ये पाइलोरिक ग्रंथियां, पाइलोरिक ग्लैंड्स जो होते हैं, इसमें व्यवस्थित रहते हैं और इनका एक स्पेसिफिक फंक्शन या कार्य होता है। वही स्टमक में, स्टमक के दोनों तरफ, ठीक है, होगा ईसोफेगस से थोड़ा सा चौड़ा स्टमक और इसके दोनों तरफ लिवर प्रेजेंट होता है, यकृत प्रेजेंट होता है, जिसकी दो लोब्स होती है, राइट एंड लेफ्ट। तो एक साइड इसकी दो पिंड में होता है, बायलोब है लिवर, तो एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, टू लोब्स। और प्रेजेंट किसके आसपास है? स्टमक के आसपास, राइट। इस तरह से ये संरचनाएं यहाँ पर व्यवस्थित रहती हैं। अंदर की दीवार जो है वो चिकनी है, जिससे कि भोजन आगे की तरफ बढ़ सके और डाइजेशन प्रोसेस जो होता है, जो हम बोलते हैं कि पाचन क्रिया है, वो भी स्टमक इंटेस्टाइन में होती है, आंत में होती है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार स्टमक का। एपिथेलियल मेम्ब्रेन उपस्थित होगी, क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन है एपिथेलियल वो स्टमक की मेम्ब्रेन है, इसलिए यहां पर हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि इस एपिथेलियम का जो नाम
इस तरह से ये संरचनाएं यहाँ पर उपस्थित है। इसको हम नेम देते हैं गैस्ट्रिक एपिथीलियम। ये है हमारा पाइलोरिक ग्लैंड। ठीक है, बीच में एम्प्यूला जैसी संरचनाएं भी उपस्थित रहेंगी, उनको हम बोलेंगे एम्प्यूला। है जहां पर ज्यादा बड़े घुंडीनुमा आकृति प्रेजेंट हो। ये हमारे ब्लड साइनसिस और ब्लड उपस्थित रहे। तो इस तरह से स्टमक का स्ट्रक्चर होता है जहां पर पाइलोरिक ग्लैंड एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वहीं अगर हम स्टमक की बात के बाद जाते हैं नेक्स्ट स्टेज में, नेक्स्ट स्टेप में, तो आती है हमारी इंटेस्टाइन या आंत्र। आंत्र में भी हम बात करते हैं तो यहां पर दो घुमाव प्रेजेंट होते हैं। उन दो घुमाव को हम बोलते हैं, एक तो जो प्रॉक्सिमल है, पास में है, एक डिस्टल जो दूर है। प्रॉक्सिमल लिंब और डिस्टल लिंब, राइट। प्रॉक्सिमल लिंब जो होती है वो डिसेंडिंग लिंब कहलाती है, जो कि नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है, और डिस्टल लिंब हमारी असेंडिंग लिंब कहलाती है, जो कि ऊपर की तरफ जा रही, दूर है और ऊपर की तरफ मूवमेंट कर। तो इस तरह से, इस तरह का स्ट्रक्चर ऐसे प्रेजेंट होता है और बिल्कुल यू शेप स्ट्रक्चर होता है, यू आकार का स्ट्रक्चर उपस्थित रहता है। ये यू आकार का स्ट्रक्चर होता है और इसी के बीच में हमारे इस तरह से जाती है, इसके बीच में हमारा गोनाड उपस्थित रहता है। वो गोनाड भी कौन सा? लेफ्ट गोनाड। बाया जनन अंग जो होता है वो इसके बीच में यहाँ पर व्यवस्थित रहता है। इस तरह से तो जो नीचे की तरफ जा रही है वो डिसेंडिंग, जो नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है वो हो जाती है हमारी असेंडिंग लिंब। तो ये है इंटेस्टाइन जो गोनाड को, हमारे जनन अंग को कवर कर रही है। वहीं हम इंटेस्टाइन के बाद जाते हैं जो हमारा है रेक्टम या मलाशय। ये इंटेस्टाइन के बाद खुलता है, मलाशय है, रेक्टम नाम से जाना जाता है। इसके आसपास हम देखेंगे कि जब ये एंड हो रहा है तो ये कहाँ एंड होगा? प्लोकार या एट्रियल कोर में एंड होगा, बाहर की तरफ, ठीक है, और इसी से अटैच होता है एनस भाग या एनल कोर। तो रेक्टम खुलता है एनल कोर में, जो एट्रियल गुहा के द्वारा बाहर निकलती है। एट्रियल साइड में जो हमारा रीजन होता है, ये पूरा रीजन एट्रियल साइड में उपस्थित रहता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द भाग जो होता है वो ब्रैंकियल कोष जो होता है, ब्रैंकियल सैक जो होता है वो कवर कर लेता है, उसके द्वारा मोस्ट ऑफ द पोर्शन कवर्ड रहता है। तो इस तरह से हमारे डिफरेंट पार्ट्स थे डाइजेस्टिव सिस्टम के। माउथ, मुख, हम बोल सकते हैं मुख कैविटी या फिर बकल कैविटी। फैरिंग्स, फैरिंग्स दो भाग में, प्री ब्रैंकियल एंड ब्रैंकियल कोश। उसके बाद ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद हमारी आती है स्टमक, स्टमक के बाद इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के बाद आता है हमारा रेक्टम भाग, और लास्ट में खत्म हो जाता है हमारे एनल कोर या क्लोकल कोर के तरफ। ऑलराइट, अब इसी के साथ अगर हम बात करें हर्डमानिया की ग्रसनी एवं ग्रास नाल की, दैट मींस फैरिंग्स और
तरह की संरचना उपस्थित रहती है? और इस संरचना में इस तरह से व्यवस्थित रहती है संरचना। यह है ब्रैंकियल अपर्चर, जो खुलता है मुख, जिसे हम बोलते हैं ये है डॉर्सल ट्यूबरकल, ये है हमारा डॉर्सल लैमिना, ये है ईसोफेगस की ओपनिंग, ये है हमारा स्टमक, स्टमक के आसपास लिवर की लोब्स उपस्थित हैं। ये कितने फेट में व्यवस्थित है। वहीं इसकी बात करें तो ये है हमारा एंडोस्टाइल, राइट, ये यहाँ पर टेंटिकल्स व्यवस्थित रहेंगे, ब्रैंकियल टेंटिकल्स के नाम से जान सकते हैं। यहाँ पर स्फिंक्टर प्रेजेंट होंगे, ये हमारा कहलाएगा पेरिफेरेंजियल ग्रूव, ठीक है, पेरिफेरेंजियल ग्रूव प्रेजेंट है। यहाँ पर पेरिब्रैंकियल रीजन उपस्थित है, तो इस तरह से हमारा फेरिंग्स, ईसोफेगस एंड स्टमक वाला भाग व्यवस्थित रहे। एंडोस्टाइल यहाँ पर उपस्थित। तो ये है फेरिंग्स और ईसोफेगस का स्ट्रक्चर की किस तरह से ये अरेंज्ड है और क्या क्या स्ट्रक्चर्स इनके अंदर व्यवस्थित रहते हैं, कैसी संरचनाएं इनमें व्यवस्थित है, राइट। अब हम बात करते हैं, हमने एलिमेंट्री के नाम की तो बात कर ली, अब हम करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात, कि जो पाचक रस हैं वो किन ग्लैंड्स के द्वारा स्रावित होते हैं, किन ग्रंथियों के द्वारा, पाचक ग्रंथियों के बारे में पढ़े। सबसे पहली पाचक ग्रंथि जो है वो हम कहते हैं लिवर, राइट। अब हमने लिवर या यकृत की बात की, तो ये दो लोब्स में, या हम बोल सकते हैं बाई लोब स्ट्रक्चर है, ठीक है, दो पिंड में ये विभाजित रहती है, जो राइट एंड लेफ्ट होते हैं, एक होगा राइट लोब एंड एक होगा लेफ्ट। राइट लोब हमारा स्मॉल होता है और लेफ्ट लोब लार्ज होता है, बड़ा होता है, ठीक है। इस तरह से दोनों इक्वल नहीं है, अनइक्वल भाग में विभक्त है, राइट, जो दायां होगा भाग वो छोटा होगा और बायां भाग बड़ा। इसी के साथ साथ यकृत में बहुत सारी डक्ट्स या वाहिनियां होती हैं, जो सारी वाहिनियां एक साथ कलेक्ट होकर हेपेटिक डक्ट का निर्माण।
कमांड कर दी, ठीक है। और ये लिवर प्रेजेंट कहाँ होता है, अमाशय के दोनों तरफ, स्टमक के दोनों तरफ उपस्थित रहता है। हेपेटिक डक्ट्स का निर्माण कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं ये 10 से 12 डक्ट्स आपस में मिलकर एक संपूर्ण हेपेटिक डक्ट को बनाती, राइट। अब अगर हम हेपेटिक डक्ट की बात करते हैं तो ये हेपेटिक डक्ट कहाँ खुलेगी, यकृत वाहिनी कहाँ खुलेगी, स्टमक में, अमाशय में ओपन होती, राइट। स्टमक के अंदर ये वाली डक्ट खुलेगी, स्टमक के दोनों तरफ ही इनके लोब्स उपस्थित है। और वही अगर हम लिवर की बात कर ले तो यहाँ पर कुछ एंजाइम्स भी प्रेजेंट होंगे, जिन्हें हम डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहेंगे। तो वो एंजाइम्स जो यहाँ प्रेजेंट होंगे वो हैं अमाइलेज, प्रोटीएज एंड लाइपेज। ये एंजाइम्स यहाँ पर व्यवस्थित रहेंगे और इनके बेसिस पर आगे जाके डाइजेशन प्रोसेस हो पाएगी, ठीक है। पाचन क्रिया इन्हीं के द्वारा हो पाएगी। अब अगर हम लिवर का स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, क्रॉस सेक्शन काट के, तो हम देखेंगे होते हैं उनकी तरह बात करते हैं। मींस ये हर्ड मानिया के
तरह से पैनक्रियाज है जो कि क्या करेंगे, पाचन में हेल्प करेंगे, पाचन क्रिया करने के लिए हेल्प करते हैं। वही ये हमारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की तरह भी कार्य करते हैं या एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स भी कहलाते हैं, ठीक है, उत्सर्जी अंग की तरह भी कार्य करेंगे यहाँ पर। और इसलिए इसका फंक्शन दो है, पैंक्रियास की तरह वर्क करना और एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की तरह वर्क करना, और इनके जूसेस से क्रीट होंगे इंटेस्टाइन में आंत जहां पे पाचन क्रिया हो पाएगी। तो दो तरह के थे, लिवर एंड पाइलोरिक ग्लैंड्स। लिवर कैसे होंगे, पूरे लंग के दो लोब में बटे हुए होंगे, और यहाँ पर पाइलोरिक ग्लैंड्स आंत में अपना जूस सिक्रीट करेंगे, वो स्टमक में कर रहे थे, ठीक है। तो ये दो प्रकार के डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की हमने बात। अब अगर हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, तो हमने पढ़ लिया, तो अब हम पढ़ेंगे डाइजेशन प्रोसेस। डाइजेशन पाचन क्रिया किस प्रकार से यहाँ पर होती है, राइट। पाचन क्रिया को हम थ्री स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है फूड, सेकेंड स्टेप होता है फूड इंजेशन, और थर्ड स्टेप होता है डाइजेशन। मतलब हम इसको तीन तरीके से पढ़ेंगे। एक तो हो गया भोज्य पदार्थ जो हम अंतर्ग्रहित कर रहे हैं, राइट। अब हर मानिया में जो भोज्य पदार्थ होते हैं या फूड पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होंगे, बहुत छोटे होंगे, क्योंकि हर मानिया खुद ही स्ट्रक्चर में बहुत छोटा है, तो ये बड़े ऑर्गेनिजम्स को अंदर नहीं ले पाए। तो भोज्य पदार्थ जो होगा वो छोटा होगा, और मोस्टली भोज्य पदार्थ में हम बात करेंगे तो आएगा एल्गी, डाई एटम्स एंड कुछ सीलिएट्स इसके अंदर आ सकते हैं जिनमें सीलिया उपस्थित हो, तो ये इनका भोज्य पदार्थ रहेगा, ठीक है। अब भोज्य पदार्थ के अलावा भोजन ये किस प्रकार से करते हैं, ये भी एक चीज है। तो हम इनको बोलते हैं कि ये सीलियरी फीडर्स होते हैं, ठीक है। दैट मीन्स ये सीलिया के द्वारा भोजन को लेते हैं और भोजन को बहुत सॉर्ट आउट करके अंदर लिया जाता है, ठीक है। डायरेक्ट ये नहीं कुछ भी आया और उसे अंदर ले लिया, सीलियरी फीडर्स है। दैट मीन्स भोजन को बहुत अच्छे से जांच पड़ताल करके अंदर लिया जाता है, हर तरह का भोजन अंदर नहीं जाता, सीलिया के द्वारा लिया जाता है। तो भोजन का प्रोसेस हमें पता चल गया किस तरह से होता है और कौन सा फूड ये मोस्टली लेते। सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे फूड इंजेशन की, भोजन का अंतर्ग्रहण ये किस प्रकार से कर। तो हमने सबसे पहले बात की भोजन के अंतर्ग्रहण, ठीक है। भोजन अंतर्ग्रहण में जब हम बात करेंगे तो यहां पर हम देखते हैं कि ब्रैंकियल अपर्चर हमने पढ़ा था, ब्रैंकियल छिद्र हमने पढ़ा था, वहां से क्या होगा, जल या वाटर अंदर जाए और उस वाटर के साथ ही हमारा इनका जो फूड है, भोजन पदार्थ है, वो जल के साथ ही, जल की धारा के साथ ही अंदर की तरफ जाए। अब सबसे पहले हमने बात की कि जल धारा के साथ ये अंदर जाए, लेकिन एंडोस्टाइल एक स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था जिनमें पांच प्रकार के सीलिया उपस्थित थे। ये एंडोस्टाइल की जो सीलिया होंगे, पक्षमाप होंगे, ये पक्षमाप बीटिंग करेंगे। उस बीटिंग के कारण क्या होगा, इस अपर्चर से, इस छिद्र से जल एकदम धारा के साथ अंदर की ओर आए,
और उस धारा के साथ अंदर आने के साथ साथ वो अपने साथ फूड भोज्य पदार्थ भी लेकर आए। अब जैसे ही भोज्य पदार्थ लाएगा तो वो भोज्य पदार्थ कहाँ आएगा, सीधा बीट करेंगे, मूवमेंट करेंगे, जिसके साथ वाटर प्लस फूड अंदर आए, राइट। फूड अंदर आने के बाद सबसे पहले ब्रैंकियल कोश में हमने पढ़ा स्टिग्मेटा उपस्थित रहते हैं, वहां उन स्टिग्मेटा तक वाटर जल भोजन के साथ आए। अब स्टिग्मेटा में हमने बोला था परफोरेटेड रीजन होता है, वहां पे बहुत सारे छिद्र उपस्थित रहते हैं, तो जो भोज्य पदार्थ उस स्टिग्मेटा के साथ लाएगा, ठीक है, स्टिग्मेटा तक लाएगा। अब यहाँ पर हमारे कुछ टेंटिकल्स भी रहते हैं, हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर टेंटिकल्स का, कुछ यहाँ पर स्पर्शक जैसी संरचनाएं उपस्थित है। ये टेंटिकल्स क्या करेंगे, भोजन को एकदम छलनी की तरह छानेंगे, राइट, सीव की तरह, छलनी की तरह छानने का कार्य करेंगे, जिसके कारण जो भी छोटे पदार्थ होंगे वो तो नीचे आ जाएंगे छन के, और जो बड़े पदार्थ होंगे वो वहीं के वहीं रह जाएंगे। मींस जो स्मॉल फूड पार्टिकल्स होंगे, भोजन के जो छोटे कण होंगे, वो ही छन के अंदर जाएंगे टेंटिकल्स के द्वारा। लेकिन अब स्मॉल फूड प्रोडक्ट्स जो थे, पार्टिकल्स जो थे, उनका क्या होगा, बड़े जो होंगे वो यही रह जाएंगे, ठीक है, लार्ज फूड प्रोडक्ट्स के। स्मॉल फूड प्रोडक्ट्स छन के नीचे की तरफ बैठ जाएंगे, ठीक है, बॉटम पे, ब्रैंकियल कोश के बॉटम पे बैठ जाएंगे। ब्रैंकियल कोश था वहां पे ये नीचे की तरफ बैठ, ठीक है। अब क्या हुआ, अब जो वाटर था वो कहां से जाएगा, उसका काम था फूड लाना, वो उसने कर दिया। अब पोर्स के थ्रू वाटर घूम कर वापस जाएगा हमारा एट्रियल पोर के अंदर, और एट्रियल पोर से बाहर की तरफ निकल जाएगा वाटर आउट, ठीक है। वाटर एट्रियल पोर, ब्रैंकियल से आया, एट्रियल पोर से बाहर की तरफ निकल गया, इसने फूड को डिवाइड कर दिया स्मॉल फूड पार्टिकल्स में और लार्ज फूड पार्टिकल्स। स्मॉल फूड पार्टिकल्स नीचे आके डिपॉजिट। अब हम बात करेंगे एंडोस्टाइल। एंडोस्टाइल में हमने पढ़ा था ग्लैंडुलर कोशिकाएं थी, ठीक है, जहां पर सीलिया उपस्थित नहीं थे, ग्रंथिल कोशिकाएं उपस्थित थी, ग्लैंडुलर सेल्स, उन ग्रंथिल कोशिकाओं के द्वारा म्यूकस जो होगा वो सिक्रीट किया जाए, तो जो भोज्य पदार्थ है स्मॉल फूड पार्टिकल वो म्यूकस से चिपक जाए, और चिपकने के साथ वहां पर एक डॉर्सल लैमिना स्ट्रक्चर था, पृष्ठ लैमिना, उसके सहारे फूड ऊपर की तरफ उठता जाए, ठीक है, वॉल्स के सहारे और डॉर्सल लैमिना के सहारे। लैंग्वेज भी प्रेजेंट है यहाँ पर, क्योंकि जीभ जैसी, जिह्वाएं जैसी स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है, तो ये जिह्वाएं क्या करेंगी, उस फूड को सिलेंड्रिकल बनाने में हेल्प, ठीक है। नीचे एंडोस्टाइल था, डॉर्सल लैमिना है, डॉर्सल लैमिना के सहारे उसमें लैंग्वेज है, जीभ जैसी संरचनाएं हैं, तो उसके सहारे वो संरचनाएं हेल्प करके फूड को ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, सिलेंड्रिकल, सिलेंडर नुमा आकृति में कन्वर्ट कर रहे हैं, और इनके सहारे क्या होगा, फूड जो है हमारा वो एक हार्ड स्ट्रिंग या रॉड के समान संरचना में आ जाएगा, ठीक है, रॉड के समान संरचना में ये आ जाएगा, इस तरह से प्रेजेंट रहे, ठीक है। अब लार्ज फूड पार्टिकल्स जो थे वो क्या करेंगे, वापस से मुख के द्वारा बाहर जाएंगे, क्योंकि उनकी नीड नहीं है, तो मुख के द्वारा उन्हें बाहर निकाल दिया जाए। तो लार्ज फूड पार्टिकल्स की बात करी हमने, ये
कि माउथ के द्वारा बाहर वापस से चले जाए। सीलिया जो होंगे वो रिवर्स डायरेक्शन, पहले तो नीचे की तरफ मूव कर रहे थे फूड को, अब यहाँ पर रिवर्स उल्टे डायरेक्शन में मूव करेंगे, सीलिया बीट करेंगे, जिससे जो लार्ज फूड पार्टिकल्स हैं, बड़े कण हैं, वो ऊपर की तरफ माउथ में जाएंगे और माउथ में जाने के साथ साथ बाहर की तरफ वहां से निकल जाए। तो इस तरह से हमारा फूड इंजेशन या फूड अंतर्ग्रहण क्रिया होती है। एक बार फिर से देख लेते हैं, ब्रैंकियल अपर्चर से वॉटर के साथ फूड आएगा, फूड आने के साथ ही एंडोस्ट्राइल में जो सीलिया है वो मूव करेंगे और वॉटर करंट को अंदर की तरफ ले। वॉटर करंट अंदर जाते ही स्टिक में आपके पास टेंटिकल्स उपस्थित हैं, वो टेंटिकल्स छलनी के प्रकार कार्य करके फूड को छानेंगे, छोटे कण नीचे की तरफ ब्रैंकियल सैक में डिपॉजिट हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे। इसी के साथ जो हमारी एंडोस्टाइल है वो उसकी ग्लैंडुलर सेल्स म्यूकस सेक्रीट करेंगे और ये म्यूकस इन स्मॉल फूड पार्टिकल्स के साथ कंबाइन होकर मिलकर डॉर्सल लैमिना के सहारे एक स्ट्रिंग या रॉड का निर्माण करेगा, ठीक है, और वहां से ये आगे जाकर ईसोफेजस ओपनिंग में चला जाएगा। ईसोफेजस के द्वारा ये स्टमक में के अमाशय में चला जाए। क्लियर है, ये हमारा फूड इंजेशन प्रोसेस है कि किस तरह से फूड को हम अंदर ले जा रहे हैं। लार्ज पार्टिकल सीलिया की उल्टी बीटिंग के कारण, दैट मीन सीलिया अपोजिट डायरेक्शन में बीट करेगा जिससे माउथ में और माउथ से बाहर निकल जाए। वहीं वाटर जो था वो वाटर स्टिग्मेटा के थ्रू एट्रियल पोर में जाएगा, एट्रियल पोर से बाहर की तरफ वाटर आउट हो जाएगा। ये हमारा फूड इंजेशन प्रोसेस। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट है हमारे इसमें डाइजेशन की, पाचन यहां पर किस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, फूड कहां तक आ गया था हमारा, स्टमक तक, सिलेंड्रिकल रॉड के सहारे आ गया, क्योंकि ईसोफेगस में भी कुछ कोशिकाएं थी, ग्रंथि कोशिकाएं, वो फूड को नीचे की तरफ धकेलने का कार्य कर रही थी और उससे वहां स्टमक में। अब स्टमक में फूड आते ही हमने देखा कि लिवर जो था वो तीन प्रकार के एंजाइम से ट्रीट कर रहा था। एक अमाइलेज जिसने क्या किया, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया, बदल दिया। माइलेज स्टार्च को माल्टोज में बदलने का कार्य करती है, जहां पे ग्लूकोज के सब्यूनिट्स थोड़े और शॉर्ट वे में अरेंज हो जाते हैं और टूट जाते हैं, क्योंकि अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स पे वर्क करता है। वहीं हम सेकेंड एंजाइम प्रोटीएज की बात करेंगे, प्रोटीन्स किस पे वर्क करता है, हमारे प्रोटीन्स पे, और ये अमीनो एसिड्स में प्रोटीन को बदल देगा। वहीं हम थर्ड एंजाइम की बात करेंगे, लाइपेज। ये लाइपेज क्या करेगा, लिपिड को या फैट को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में बदल देगा। तो इस तरह से इसका फंक्शन यहाँ पर ये होगा, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स तीनों पे ये तीनों एंजाइम मिलकर पाचन क्रिया करते हैं। अब जैसे कि ये पाचन भोजन है, ये आगे की ओर जाएगा तो जाएगा ये पाइलोरिक ग्लैंड, ठीक है। पाइलोरिक ग्लैंड में जाकर मतलब ये हुआ कि इंटेस्टाइन जो है वहां पर इसके जूसेस सीक्रेट होंगे पैंक्रियास की भांति। तो इंटेस्टाइन में जाएगा आगे वाला फूड, ठीक है, या फिर इनमें से कुछ बच जाता है तो भी वो भी आगे जाए। और पैंक्रियास से भी जूसेस
बाकी बचा हुआ फूड होगा वो रेक्टम के द्वारा जो अपचित भोजन होगा, जो उसका पाचन ही नहीं हुआ, जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा ही नहीं, वो रेक्टम के द्वारा बाहर एट्रियल पोर से बाहर की तरफ 10 से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रेशर के साथ बाहर रिलीज कर दिया जाए। एट्रियल पोर था, छिद्र था, अपर्चर, वहां से प्रेशर के साथ बाहर रिलीज कर दिया। अब डाइजेशन में ही एब्जॉर्प्शन भी होगा, अवशोषण भी होगा। तो ये जो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, स्मॉलर सब यूनिट्स में ये फूड डिवाइड हुआ था, ये फूड क्या करेगा यहाँ पर एब्जॉर्ब होगा, अवशोषित होगा, जो किसके द्वारा होगा, जो हमारी अमाशय की भित्ति है उसके द्वारा या फिर आंत्र की भित्ति के द्वारा, इन दोनों के द्वारा अवशोषण हो गए, ये पूरे शरीर में चला जाए। अब शरीर में जाने के बाद जितनी बॉडी को नीड होगी, हर्डमानिया की बॉडी को, हर्डमानिया का शरीर जितना ले सकेगा लेगा न्यूट्रिशन, और फिर बाद में ये स्टोर्ड फॉर्म में, ठीक है, संचित भोज्य पदार्थ के रूप में इकट्ठा होकर कहां पर स्टोर हो जाएगा, हमारे इंटेस्टाइन की भित्ति में, आंत की भित्ति में, स्टमक की भित्ति में, लिवर में, यकृत में और ईसोफेगस की भित्ति। यहाँ पर ये जो डिफरेंट डिफरेंट वॉल्स हैं, यहाँ पर जाकर ये पदार्थ संचित रूप में वहीं पर ही इकट्ठा हो जाएगा और वहां प्रेजेंट रहेगा। तो इस तरह से डाइजेशन प्रोसेस हमारा वर्क करता है कि स्टमक तक आया भोजन, लिवर ने फंक्शन किया, एंजाइम सिक्रीट किए, भोजन का पाचन किया, पाचन के बाद ये स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड हुए, यहाँ से इनका अवशोषण हो गया, बाकी इनमें से जो बचा वो इंटेस्टाइन्स में गए, इंटेस्टाइन में पाइलोरिक ग्लैंड ने पेंक्रियाटिक जूस की तरह और एक्सक्रीटरी अंग की तरह कार्य किया, और जिनका डाइजेशन हो सकता था उनका डाइजेशन किया और वहां से अवशोषण करवाया, बचा हुआ फूड रेक्टम में गया और एट्रियल पोर के थ्रू बाहर एक्सक्रीट हो गया, बाकी ये जो संचित पदार्थ है ये संचित लिवर में, ईसोफेगस की भित्ति में, इंटेस्टाइन में और स्टमक की भित्ति में उपस्थित रह सकता है हर्डमानिया के अंदर। तो इस तरह से